हेलो गाइस, तो सिस्टम डॉट आईओ ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से जो अपना लैंडिंग पेज है उसमें लैंडिंग पेज में अगर आपको इस तरीके से एनिमेटेड आइकन अगर आपको लगाना है तो आप किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लैंडिंग पेज बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहां पर आपको सिस्टम डॉट आईओ के सभी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। ठीक है, कि आप किस तरीके से इमेज इंसर्ट करेंगे, किस तरीके से स्क्रैच से आप यहाँ पर लैंडिंग पेज बनाएंगे, तो लैंडिंग पेज बनाने के आपको सारे के सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि आप किस तरीके से ये जो आपका एनिमेटेड आइकन है इसको आप कैसे तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको मान के चलता हूं कि आपको जो लैंडिंग पेज है सिस्टम डॉट आईओ के बारे में आपको आता है थोड़ा बहुत। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो मेरे शुरुआत से वीडियो देख लीजिएगा, ये पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, ऐसे करके मैंने यहां पर वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर आइकन बनाएंगे। तो आप यहाँ पर कैसे आएंगे वो आपको पता होगा। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि आपको यहाँ तक आने का पता है। आप यहाँ पर ये सीखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पर ये जो एनिमेटेड आइकन है वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या होगा कि कैनवा चाहिए होगा। कैनवा आपका जो ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है वो आपके पास चाहिए होगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आपको जो कैनवा ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म ओपन होके आएगा। ठीक है, अब ओपन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्रिएट ए डिजाइन का ऑप्शन मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर नीचे आएंगे तो कस्टम साइज का ऑप्शन मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको विड्थ और हाइट, तो यहाँ पर आपको फिक्स कर देना है 150 और 150 पिक्सल। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू डिजाइन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको क्लिक करेंगे तो ये आपका 150x150 आ चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लेफ्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एलिमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो एलिमेंट पर जाइएगा और यहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा, जैसे कि मैं कार्ट का ऑप्शन सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो कार्ट के देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत सारे यहाँ पर जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत सारे ग्राफिक्स यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे कि ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं एग्जाम्पल के लिए ये ले लेता हूँ, तो इसको मैंने क्रैक किया और यहाँ पर मैंने डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, ये आपका फ्री वर्जन में भी आपको मिल जाएगा और पेड वर्जन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे देख सकते हैं कि मैंने इसको पूरे पेज में कर लिया है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर ऊपर पोजिशन पर जाऊंगा और यहाँ पर इसको मिडिल पे और यहाँ पर सेंटर पे कर लूंगा। ठीक है, तो ये एकदम मिडिल और सेंटर पे हो जाएगा। अगर आप इस आइकन का जो कलर है वो चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, ये कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप इसको जो भी कलर रखना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि किस थीम का आप बना रहे हैं, कौन सा कलर आपको रखना है, मैं ब्लैक ही रख लेता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों अब ये क्या है कि एक फोटो हो गया, लेकिन अब इसमें हमको एनिमेशन देना है। इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर ऊपर दिया हुआ एनिमेट का ऑप्शन, सो गाइस इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट में आपके बहुत सारे एनिमेशन खुल के आ जाएंगे। जैसे ही आप माउस को उस पर रखेंगे तो देख सकते हैं कि उसमें किस तरीके का एनिमेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जो भी एनिमेशन आपको अच्छा लगता है उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, मैं मोस्टली अपने लैंडिंग पेज में यूज करता हूँ ये पल्स वाला, ये मुझे अच्छा लगता है तो मैंने पल्स पर क्लिक किया। जब पल्स पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि ये इस तरीके से मूवमेंट करेगा, और इसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो इसकी इंटेंसिटी कर सकते हैं, मैं एकदम मिडिल पे रख लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं कि ये इस तरीके से हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये सब चेक कर लीजिएगा, सारे के सारे यहाँ पर आपका जो एनिमेशन दिए हुए हैं, मैं पल्स पर कर लेता हूँ। ठीक है, पल्स पर करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर शेयर का ऑप्शन मिलेगा, तो शेयर पर आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, फिर दोस्तों यहाँ पर फाइल टाइप, तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको GIF सेलेक्ट कर लेना है, GIF। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर दोस्तों मैं डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ। सो बस ये डाउनलोड होने वाला है। सो गाइस जो हमारा आइकन है वो डाउनलोड हो चुका है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर गया डाउनलोड फोल्डर पर और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा जो आइकन है ये वाला बन गया है। ठीक है, अब इसको अपने लैंडिंग पेज को किस तरीके से लेंगे वो यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने ओपन किया हुआ है ये लैंडिंग पेज सिस्टमी डॉट आईओ और यहाँ पर ये बना दिया हुआ है इमेज, तो इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आपको दिखाने के लिए देख सकते हैं कि ये वाला दिया हुआ है, रो दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पास एक बॉक्स है, सेक्शन दिया हुआ है। अब मैं इसके अंदर लेना चाहता हूँ एक इमेज, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर जो भी इमेज का भी ऑप्शन है ये दिया हुआ इमेज, तो मैं इसको ऐसे क्लिक करूंगा और यहाँ पर एकदम यहाँ पर मैं इसी के ई कॉमर्स के ऊपर डालना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं कि मैंने ई कॉमर्स के ऊपर इमेज डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इमेज पर क्लिक करूंगा, ये सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, सेटिंग पर मैं क्लिक करूंगा, अब ये दिया हुआ इमेज फाइल, तो यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन दिया, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर सिलेक्ट फाइल पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपके लैपटॉप में जहाँ पर सेव होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है और ओपन पर मैंने क्लिक कर लिया है, तो ये क्या है सिस्टमी डॉट आईओ के सर्वर में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इंसर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब इसका जो साइज है उसको आप यहाँ पर कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो ये आपको स्लाइड का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसका जो साइज है
वो यहाँ पर आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने वेबिनार लिखा हुआ है, तो वेबिनार के लिए भी यहाँ पर मैं आइकन बना सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर जाऊंगा और सेम अब मैं क्या करूंगा, ये जो कार्ट है उसको डिलीट कर दूंगा, एलिमेंट पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ वेबिनार, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर वेबिनार डाला, तो वेबिनार से रिगार्डिंग यहाँ पर मुझे काफी आइकन्स मिल जाएंगे, तो जो आइकन्स मुझे अच्छा लगेगा उसको मैं ले लूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला आइकन मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये काफी ठीक लग रहा है, वेबिनार से रिगार्डिंग है। मैंने इसको इतना बड़ा कर लिया है। बड़ा करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर एनिमी पोजीशन पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं मिडिल और यहाँ पर सेंटर कर लूंगा, ठीक है। और फिर क्या करना है कि हमको एनिमेट पर जाना है। एनिमेट पर जाने के बाद हमको पल्स पर क्लिक कर देना है और इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर हम लोग शेयर पर जाएंगे, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोगों को डाउनलोड करना है GIF। तो GIF पर मैंने क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लिया है। सो गाइस यहाँ पर जो हमारा आइकन है वो डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करके देख लेता हूँ। ये इस तरीके से हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, फिर से जाऊंगा system.io पर और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब मुझे यहाँ पर डालना है वेबिनार का। तो मैं क्या करूंगा, इमेज पर जाऊंगा, ये देखते हैं कि इमेज यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पर जस्ट वेबिनार के ऊपर ड्रॉप करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है और यहाँ पर इसकी सेटिंग पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर अपलोड पर मैं क्लिक करूंगा, सेलेक्ट फाइल पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो आइकन दिया हुआ है वेबिनार को उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं दिया हुआ है इंसर्ट, इंसर्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने पहले कार्ड का ऑप्शन, यहाँ पर एनिमेशन इनपुट लिया और यहाँ पर हम लोग वेबिनार का कर लिया है, ठीक है। इसका जो साइज है वो कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो वो दिया हुआ। इस तरीके से आप फिटनेस का भी ले लीजिएगा या फिर आपका जो भी आइकन आपको यहाँ पर डालना हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप यहाँ पर एनिमेटेड जो आइकन है, एलिमेंट है, उनको अपने लैंडिंग पेज में ऐड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों systemi.io के सारे ट्यूटोरियल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस प्रॉपर तरीके से सीख लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद प्लीज लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।